ये किटकैट दे दो मैं अभी बहुत दिन से हेलो नमस्ते सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई नो थोड़े टाइम बाद बहुत दिन हो गया बहुत दिन तो नहीं हाँ 7-8 दिन हो गया मैं 7-8 दिन बाद मैं खुद व्लॉग शूट कर रहा हूँ लास्ट मैंने किया था जो इंडिया हारी थी वर्ल्ड कप मैच उसका और उसके बाद कर नहीं पाया कि यार थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा कफ हो गया था फीवर ये सब तो 4 दिन मैं ऑलमोस्ट घर पे ही था बेड पे पड़ा हुआ था दवा लिया था दवा खा रहा हूँ खाना खा रहा हूँ वही कर रहा था और फिर उसके बाद काम में भी था भाभी का व्लॉग शूट करना एडिट करना ये सब में एंड फिर भाई के सेट पे जाना आज भी मैं झलक के सेट से अभी थोड़ी टाइम पहले ही आया हूँ आज शूट था झलक के एपिसोड का आई एम श्योर आप सब देखते ही रहेंगे तो वहीं से आया हूँ एंड अभी चलिए चलते हैं अंकित के यहाँ क्योंकि भाई का बर्थडे है अभी 12 बजने में बाकी है 10-12 मिनट बाकी है टाइम है अपने पास चलिए चलते हैं भाई का बर्थडे ब्रिंग इन करते हैं एंड एंजॉय करते हैं केक मैंने ले लिया है एंड गिफ्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया है वो मैंने शूट भी नहीं किया था यूजुअली मैंने अब उन्हें स्नीकर लिए थे उसके लिए तो हम लोग ने जो मंगवाए थे वेज नॉन वेज से तो इसलिए हम लोग ने ऑलरेडी दे दिए थे क्योंकि पहले आ गया था और उसका इन बाय चांस अगर सही नहीं हो तो एक्सचेंज का दिन था 1-2 दिन पहले का ही तो इसलिए हम लोग ने उसको ऑलरेडी दे दिया था उसको पसंद भी आए तो बस अभी केक चलते हैं कट करते हैं सेलिब्रेट करते हैं भाई का बर्थडे लेट्स गो अरे मोर गिरा दिए यार मोए मोए हो रहा था Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ankit. Happy birthday to you. मुंह पे लगा दो महंगा केक कैसे लाया कौन सा पूरी तुम्हारे पे गया पोज अच्छे से भी दे नाइसली नॉट लाइक दिस रिमूव माय पोज मस्त दिख तो अच्छे रहे है ना एक चीज अच्छा मेरा इसका साइज 11 है फर्स्ट ही तो मैं हूं ऐसे राक्षसों के साइज है तुम्हारे मैं तो कुछ शेयर भी नहीं कर सकती करेंगे भी नहीं सेम साइज होता तो चोरी कर लेती ना फिर मैं अभी तो चोरी भी नहीं कर सकती आज है 2nd of December जो लास्ट आपने देखा था वो 28th का 4 दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया और क्यों कुछ शूट नहीं किया ऐसा कोई रीज़न नहीं बस नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं यार ऐसा करने को एक तो मम्मी अब तक आई नहीं है क्योंकि टिकट्स नहीं बन रहे रिटर्न के बहुत ज़्यादा रश है मैंने कितना 6-7 एजेंट को पूछ चुका है कोई नहीं बना पा रहा है तो मैंने सोचा फ्लाइट का कर देता हूँ मगर फ्लाइट के टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है मैंने 3-4 दिन पहले चेक किया था तो था 13-14 का मैंने आज चेक किया कल या परसों का तो 28-30 के अराउंड है फ्लाइट का टिकट्स तो देखते हैं अभी एक और एजेंट को बोला गया है अगर वो बना दिया तो मम्मी शायद से 3rd या 4th का टिकट रहेगा मम्मी का तो मोस्टली और 4-5 दिन शायद से जाएगा एंड आज मैं कहा चलो आज बनाते क्योंकि आज है अंकित आजाद और ट्विंकल का एंगेजमेंट फाइनली भाई ग्रुप में ना सबसे ज्यादा जल्दी थी अंकित की शादी के और फर्स्ट स्टेप है आज एंगेजमेंट है तो चलिए चलते 7 बजे का टाइम था अभी 8 बज रहे हैं तो उसने हम लोग को बोल दिया था कि भाई थोड़ा लेट आना क्योंकि इनिशियल जिस टाइम पे ऑब्वियसली चालू नहीं होता और फिर और बहुत सारी चीज़ें होते हैं तो तुम लोग थोड़ा लेट आना तो हम 8:30-9 तक जाएंगे और पहनने क्या वाला हूँ पता नहीं अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया है अंकित कुमार भी आ रहा है सब मोस्टली सभी आ रहे वैसे तो चलिए चलते हैं देखते हैं क्या पहनेंगे भाई की एंगेजमेंट में जितनी जल्दी थी हो रही है फाइनली और टाइम आ रहा है ग्रुप में एक करके सबकी हो जाएगी अभी 2-3 साल में फॉर श्योर तो चलिए लेट्स गो एंड एंजॉय क्या पहना जाए यार ये भी एक त्रासी है अभी सेलेक्ट करना मेरे पास फॉर्मल शर्ट तो है ही नहीं तो मैं फॉर्मल पहनूंगा कैसे ओहो लेट्स सी देखता हूँ कुछ इसमें से तो गाइस हो चुका हूँ रेडी और क्या ही स्ट्रगल किया हूँ मैं यार कपड़े ही नहीं मिल रहे एक कपड़े साइज के हो नहीं रहे फॉर्मल 4 पैंट थे एक भी नहीं हुए फिर मैं तो यार ब्लैक एंड ब्लैक पहन लूंगा तो ब्लैक पैंट जो फॉर्मल था वो भी नहीं हुआ सूट वाला फिर मैंने ब्लैक जीन्स पहन लिया ब्लैक शर्ट पहन लिया और ये ब्लैक जीन्स भी
टाइट ही हो रही है और ब्लैक शर्ट भी टाइट हो गई हल्की हल्की लग रहा है, हर महीने ऐसा लग रहा है वजन बढ़ रहा है और मैंने साथ में अपने जॉर्डन्स पहन लिए हैं। तो ठीक है चलो अब लेट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 9 बजने वाले हैं, 7 बजे का टाइम था, उसने बोला 8:30 तक आप, और चलिए फटाफट चलते हैं, अंकित नीचे वेट कर रहा है, जाते हैं, बहुत गर्मी भी हो रही है, चलो चलते हैं। कुर्ता पहन के आता हूं। अबे तुम क्यों जा रहे हो चेंज करने? मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मेरा टाइट हो रहा है। मैं बताता हूँ, मेरा स्कैम हो गया। तुम क्यों जा रहे हो चेंज करने? ऐसे लिया पड़े हो, रुको पीछे जाओ, बहुत लंबे हो यार। हाँ तुम क्यों जा रहे हो चेंज करने? मेरा जींस बहुत टाइट है यार, मेरे को नहीं हो रहा है। बैठो ना, बैठो ना, एक बार बैठो ना, जस्ट सिट नाउ। चाबी उठाओ, मारूंगा खींच के, चाबी भी उठाने नहीं हो रहा। एक बार बैठो ना, एक बार बैठने में कुछ नहीं हो रहा है, पलट जा भाई। चलो मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा ये है। ये क्यों जा रहा है मेरे को इसका समझ नहीं है, देखा देखी तू उतर आया। मैं उसको स्लीव से टाइट हो रहा, नहीं शॉर्ट है भाई, क्या करना है। जो तुम भी देखते, इसने बताओ ब्लैक एंड ब्लैक, इसने कॉपी कर लिया ना मेरा, इसने कॉपी कर लिया। आई वाज ऑलरेडी सिंस यस्टरडे दैट आई एम गोना वेयर दिस। तुम कल से ये पहन के बैठी हो? अरे रेडी मतलब डिसाइडेड कि मैं ये पहनने वाला हूं। नहीं, इसने ऑल कॉपी कर लिया मेरा ब्लैक एंड ब्लैक लुक, इसलिए मैं अब चेंज करने जा रहा हूं। ये कुर्ता पहनने जा रहा है, यू नो व्हेन आई कैन नॉट डू इट। चलिए गाइस चेंज कर चुका हूं फाइनली, ये जो मैंने दिवाली पे कुर्ता पहना था वो पहन लिया, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा टाइट हो रहा था और मेरे को ब्लैक एंड ब्लैक पहनना था, इसलिए मैं पहना और मैं 10-15 मिनट में हो जाएगा नॉर्मल कंफर्टेबल, पर नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा बेटर यही रहेगा कि पहन लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि फिर उधर में इंजॉय भी नहीं, कुछ कर भी नहीं पाता, एक जगह कोना पकड़ के बैठना पड़ता। तो चलिए पहन चुके हैं, इसके नीचे मैंने ये निकाल लिया है मोजरी, ये ढूंढने में बहुत टाइम लगा, उसकी वजह से पूरा पसीना पसीना हो गया, हेयर स्टाइल तो पूरा चला गया, मगर कोई नहीं, चलिए फटाफट चलते क्योंकि अब हो रहा है एक्चुअल में लेट, 9:45 हो चुका है। इसको भूख लगी है। प्यार दोस्ती, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिर्फ प्यार दोस्ती। फेवरेट yes. गुलाब जामुन बहुत है, गाजर का हलवा भी है। हाँ मेरे को भी एक बार दो, एक ही डालना मेरे को, साइड में डालना। बस गाजर का हलवा नहीं ले रहे हो? मैं नहीं खाता, आपको डालूं? ओके।
तो गाइस आ चुका हूँ मैं घर और अभी अराउंड 3 बज रहा है और मैं एंगेजमेंट भी हो गया, आप सबने देखा ही। एंड हम लोग जल्दी निकल गए थे, मैं और भाई। भाई को एक्चुअल में अपने रिहर्सल्स पे जाना था तो मैं भाई के यहाँ चला गया था। अराउंड 11:10 को निकल गए थे, फिर फिल्मिस्तान गए, भाई रिहर्सल्स किए और वहाँ से अराउंड 2 बजे निकले। एंड अब फाइनली घर पे हूँ, चेंज किया हूँ और बस अब थोड़े टाइम में सो जाऊंगा। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए गाइज। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।